अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। 50 साल पीपल्स पार्टी खे कंप्लीट थिया आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी छा विञायो, छा हासिलु कयो आहे। 5 हुकूमतूं उन्हनि जूं वफ़ाक में रहियूं, तक़रीबन 6 हुकूमतूं उन्हनि जूं सिंध में रहियूं इन 50 साल जे दौर में। आसिफ अली ज़रदारी साहिबु जेको मुफ़ामत जो बादशाह आहे, छा पाण ई माइनस थी वियो? चई त मां पंहिंजी पार्टी हवाले कयां थो बीबी जे ॿारनि खे ऐं हाणे उहे ई क़यादत कंदा। ऐं उन इहा बि ॻाल्हि कई त असां नवाज़ शरीफ़ जी जमहूरियत खे न बचाईंदासीं। छा अॻु में जेके हुकूमतूं नवाज़ शरीफ़ जूं बचाई वयूं, छा उहा नवाज़ शरीफ़ जी जमहूरियत हुई? छा हाणे नवाज़ शरीफ़ जी जमहूरियत आहे जेकी हुकूमत हले थी? ऐं उन सां गॾु वक़्त खां पहिरियां आसिफ अली ज़रदारी साहिबु चयो त मां कोशिशि कंदुसि त हुकूमत वञे ऐं वक़्त खां पहिरियां चूंडुनि जो इशारो ॾिनो वियो आहे। ऐं अॼु कराची जे अंदरि सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत खे गटर जो पाणी जेको पीआरियो थो वञे, उन ते CM खे तमामु घणे सख़्तु ऐं प्यार भरे लहिजे में तमामु घणो कुझु चयो ऐं बिलावल जो बि ज़िक्र उन में कयो। ऐं त ॻाल्हाइण पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे, नाज़ बलोच साहिबु आहे, PP अॻवान आहे, वोकल आहे ऐं बहितरीन डिफेंड कंदी आहे पार्टी खे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। 50 साल दौर मुकम्मल हुआ पीपल्स पार्टी को। 50 साल दौर में सिंध के अंदर गुरबत, बेरोजगारी, साफ पानी, तालीम, हेल्थ, इसके ऊपर अफसोस नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़, पहले तो पीपल्स पार्टी के तमाम जाले, तमाम वर्कर्स, तमाम सपोर्टर्स और तमाम जितने भी लोग चाहने वाले हैं, उन सबको 50 साल की मुबारकबाद हो कि उन्होंने 50 साल का ये तवील सफ़र है और निसफ सदी का सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तय किया। ये सफ़र बहुत मुश्किल था इम्तियाज़, ये कोई आसान सफ़र नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कि अगर हम बात करते हैं और हम आज भी जो ये नारा लगाते हैं कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो वो भुट्टो साहब के फ़लसफ़े की बात करते हैं और वो फ़लसफ़ा जो है उसमें लोगों को शऊर जो दिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये वो शऊर था कि जब 77 के इलेक्शंस हुए और लोगों के घर पे जाके, जब कैंडिडेट्स ने जाके दही सिंध में लोगों को जाके घर पे वोट के लिए गुजारिश की, दरख्वास्त की कि हमें वोट चाहिए, तो एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक शख्स जो है 1977 में गया और उसने किसी किसान के घर पे जाके किसी हारी को कहा कि मैं वोट, तुम्हारा अपना वोट जो है तुम इलेक्शंस में मुझे देना, और साथ ही ये पूछा कि तुम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा लगाते हो, तुम्हें भुट्टो साहब ने क्या दिया जो तुम उनका नारा लगाते हो? तो उस हारी ने कहा कि मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये शऊर दिया है कि कल तक हमें लोग अपने घरों में बुला के पाबंद करते थे और हमें अपने घरों में बुला के हारियों को, किसानों को, मज़दूरों को पाबंद करते थे कि तुम्हें किसको वोट करना है, और आज एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार हमारे दरवाज़े पे आके हमें कह रहा है कि मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। तो हमें उस वोट की अहमियत की कदर और कीमत का जो अंदाज़ा है, जो एहसास है, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिलाया। एक वोट की ताकत जो है वो भुट्टो साहब ने एक आम शहरी को बताई कि क्या ताकत और पावर क्या है, वो शऊर दिया। और ये जो शऊर है ये डेमोक्रेसी की बुनियाद है, ये फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो बेसिक पिलर होता है, जो बेसिक बुनियाद होती है डेमोक्रेसी की, वो अवाम से होती है, और जब अवाम को उसके राइट का पता चल जाए तो फिर वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, वो कुव्वत बन जाती है। और उसी कुव्वत ने ज़ियाउल हक की इस खौफनाक आमरियत के सामने कोड़े खाए, मार खाई, जेलें काटी और डंडे खाए, यहाँ तक कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाकया पेश आया और जिस तरह पुलिस की तशद्दुद और जो डंडे उन्होंने बर्दाश्त किए, एक औरत होके मोहतरमा ने जो स्ट्रगल की आमरियत के ख़िलाफ़, बैक ऑफ नहीं किया उस फिलॉसफी से। शाहनवाज भुट्टो को मार दिया जाता है और भाई जो है उनके मुल्क से बाहर रहने पे मजबूर होते हैं। इन हालात में मोहतरमा ने अपनी पार्टी को संभाल के रखा और फिर यही वजह है कि लोगों ने उनको वजीर आज़म बनाया, लेकिन फिर साजिशों का शिकार होते हुए उनकी हुकूमत कभी चलने नहीं दी गई, कभी 1.5 साल पूरा नहीं होने दिया गया, टोटल उनकी हुकूमत जो है वो हमेशा कभी भी उनको पूरा मौका करने नहीं दिया गया। फिर मुशर्रफ की आमरियत आई, फिर उसके बाद उन्होंने सारी सियासी कुव्वतों को एक किया और एक करके उन्हें यकीन दिलाया कि जब हम पावरफुल होंगे, अवाम पावरफुल होगी और हम अवाम की आवाज़ बन के जाएंगे और आमरियत को हमेशा के लिए अपने मुल्क से
आमरियत का जो चैप्टर है उसको क्लोज करेंगे कि ये मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, और यही आईन और यही मंशूर है, यही वो नज़रिया है जो कायदे आज़म का नज़रिया था, यही वो नज़रिया है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, और पाकिस्तान को आईन 1973 का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हम सब पाबंदी से उसको फॉलो कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। तीन चीज़ें आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि अवाम को शऊर दिया भुट्टो साहब ने, अवाम को आज़ाद किया, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स जो है ना रास्तों रोडों पे हुआ। क्या आज की अवाम सरदार मीर पीर वडेरे मलिक जागीरदार चौधरी के पास आज भी सियासत यरगुमाल नहीं है? इम्तियाज़, देखिए मैं आपको जिस तरह मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंड बताया पीपल्स पार्टी का, उसमें आप अगर देखें तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप खुद भी जानते हैं कि इस वक्त हमारी असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं, चंद जो लोग, के चंद जो लोग, के ना तो इतने बड़े हैं, 90% लोग जो है ना अमीर पीर जागीरदार। देखें आप, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर हर हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। उसके अंदर कोई एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी आ सकता है, उसमें कोई यंग नौजवान भी आ सकता है, कोई स्टूडेंट भी आ सकता है, और बेशुमार ऐसे वर्कर लेवल के हमारे लोग हैं जो वर्कर रहे हैं पार्टी के बुनियादी, आज वो हमारी असेंबलियों में हैं, बल्कि वजीर भी हैं बहुत सारे ऐसे बने हुए, बहुत कम, लेकिन एक चीज मैं जमहूरियत की, हां वजीर आजम भी आपके पास, आपने देखा कि राजा परवेज को वजीर आजम बनाया गया, बड़ा पैसे वाला हो गया, जागीरदार हो गया है। लेकिन देखिए ना, वर्कर्स उठ ईसीएल में नाम है आपका, जो भी वजीर आजम बनाए उसका नाम ईसीएल में, उसका नाम करप्शन में, उसका नाम नैब के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जो करप्शन नैब ये सारी बातें, इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा विशंडिंग ही हुई है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ क्या रवैया हुआ है आप देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर कितने झूठे केसेस बनाए गए, जरदारी साहब के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, 12 साल के बाद पता चला कि जनाब वो सारे केसेस झूठे थे, वो गलत केसेस थे, पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, We all should appreciate कि पीपल्स पार्टी ने अवाम को जो वादा किया, उन वादों की तकमील के लिए अवाम को क्या बुनियादी हकूक दिए। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जिसका डेटा और जिसके स्टैटिस्टिक्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी हासिल है, और जिसको अप्रिशिएट किया जाता है कि एक ऐसा डेटा हमारे पास मौजूद है जो कि हमारी पावर्टी रेशियो को बताता है, और उसमें क्लैरिटी के साथ हमारे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि कितने लोग जो है वो मईशत के बिलो द पावर्टी लाइन रह रहे हैं, और उनको अभी घर, भी 50% से घर, अबव, घर, लेकिन लेकिन आज भी, लेकिन आप ये डेटा है, लेकिन आप ये देखें आज वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको बोस्ट करते हुए पीएमएलएन के जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट ले रहे हैं, इंटरनेशनली जाके इसको प्रेज वर्दी वर्ड जो है उनको मिल रहे हैं इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि बुनियाद रखी पीपल्स, ये नजरिया सोच पीपल्स पार्टी, 2000 रुपए देकर, 5000 रुपए देकर लोगों को भिखारी बन के आप लोगों के ऊपर एहसान करते हैं, आपने तालीम दी। देखिए मैं दूसरी बात, एक डेटा आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। पहली बात है, आज ही सुप्रीम कोर्ट यहां कराची के अंदर बैठी थी, 90% कराची के लोग पानी, गटर का पानी पीते हैं, तकरीबन 85% गटर का पानी लाड़काना के लोग पीते हैं। 10वां साल चल रहा है हुकूमत का, पहले भी आपकी हुकूमतें रही हैं, क्या सिंध को वो चीजें मिली हैं जिसका, जिसके ऊपर आपने जो है ना वोट लिया है? क्या ये मैंडेट की तोहीन नहीं है? देखें पीने का, पहले मैं आपको पानी का मसला बताऊं, ये वाटर कमीशन की रिपोर्ट है जी, बिल्कुल, मैं जुडिशियल कमीशन है, उसमें जस्टिस था एक यहाँ का कलोड़ो साहब, मैं इस पे ही रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। प्याज, पानी का जो मसला है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और ये बहुत संजीदा इशू है फॉर एवरी पर्सन। ये इंसान के जो बुनियादी हकूक है उसमें पीने का साफ पानी सबसे पहला राइट है, ह्यूमन राइट, तो उसमें हर हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या करने है? 10 साल से आप हैं। Let me tell you, मैं आपको एक्सक्यूज जस्टिफिकेशन नहीं दें, मैं आपको नाकामी हुई है इस फ्रंट पे, आपको ब्रेक के बाद जवाब दूंगा, आपको इसका जवाब, ब्रेक जो टाइम जा ब्रेक खा पोइंदा से। वेलकम, हाँ, गटर का पानी लोगों को आप पी रहा है सिंध के लोगों को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। देखिए पहली बात यह है कि पानी का, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये बुनियादी चीज़ है, पानी
सेहत के लिए साफ पानी डिलीवर करना, लोगों को देना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि देखें ये हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जितने आरओ प्लांट्स लगाए हैं पूरे सिंध में सारे नाकाम, नहीं, आपको बता रही हूँ, देखिये डिलीवर करना है। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आरओ प्लांट जो हमने लगाए थे वो नाकाम गए। मैं नहीं कहा, आपकी लीडरशिप कह रही है। देखें आप आरओ प्लांट्स लगाए गए और अब दोबारा फ्रेश न्यू आरओ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। उसके साथ K4 का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो पूरे कराची के मामलात को हल करेगा और पूरे कराची में पानी का जो इशू है उस क्राइसिस को डील करेगा। लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं आपको जो मेन बात बता रही हूँ वो ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान का जायजा ले लें तो इस वक्त KPK का सदर्न बेल्ट इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। आई एम टेलिंग यू द कंप्लीट क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर कंट्री एंड द वाटर क्राइसिस दैट पाकिस्तान इज फेसिंग। एंड द रियलिटी इज कि इस वक्त KPK में, सदर्न KPK में, साउथ ऑफ KP में इस वक्त पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। फिर आप पंजाब में आ जाएं, वहां पे भी हेपेटाइटिस के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पे पानी जो है वो पोल्यूटेड वाटर और पानी का इशू है मौजूद सदर्न पंजाब में। इवन लाहौर के अंदर पीने का साफ पानी नहीं है, सीवेज लाइन्स पुराने पुराने मिक्सअप हुए हुए हैं। सेम गोज द केस इन पिशावर। उसके बाद आप आते हैं जब सिंध की तरफ तो ये इशू डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस का इशू है। वहां वाटर कमीशन नहीं बना, पूरा यहां क्यों बनाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? वाटर क्राइसिस वहां क्यों नहीं, यहां क्यों बना? देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपको यकीन है। मुझे आप बताएं लाड़काना के अंदर कौन सी स्कीम चल रही है कि हम पानी को साफ करें, मुझे बताएं। 10 साल देखिए मैं बता रही हूँ आप, बेनजीर साहिबा के शहर को, शहीद के शहर को, हमारी कायद आपकी कायद के शहर को। देखिए हमने डिलीवर करना है और हमें करना पड़ेगा क्योंकि आने वाला वक्त, अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस कैन बी हेल्ड एनी टाइम, कमिंग ईयर इज द इलेक्शन ईयर, और अगर हम आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, हम आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे तो हमें पता है कि हम आवाम से वोट लेने किस तरह उनके पास जाएंगे। ठीक है, एक चीज दूसरी है, और आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कोर्ट में ये बात कही है कि चूंकि इस मैटर बड़ा ग्रेव कंसर्न का मैटर है, बहुत अहमियत का हामिल है, इस पर जितनी भी नेग्लिजेंस हुई या जितने इशूज जो है इसमें टेक्निकल इशूज की वजह से पानी के जो प्लांट्स, वाटर प्लांट्स जो है वो नहीं चल पाए, उन मैटर्स को प्रायोरिटी पे देखेंगे और मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे अमल भी करेंगे और इंसानियत के नाते भी हम इस मैटर को सबसे पहले। ठीक है, आपने की जमहूरियत की बात की और आईन आपने बनाया, जुल्फकार अली शहीद, जुल्फकार अली भुट्टो ने आईन बनाया, ठीक है, उनको क्रेडिट जाता है, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट, पासपोर्ट दिया, हाँ, मैं आपको दिया, मैं आपको आईन की बात करता हूँ, आईन की बात करता हूँ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने आईन तोड़ा दो दफा परवेज मुशर्रफ, किसी हकूमत ने उसके ऊपर जो है ना एक्शन नहीं लिया। Article 6 उसके ऊपर अप्लाई हुआ, गद्दारी का मुकदमा हुआ, वो बाहर बैठे, कभी आए कभी बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, आदमशुमारी सेंसिस सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, आपने नहीं करवाई, आईनी बाइंडिंग है कि इलेक्शन करवाए जगह, यहां भी आईन की तोहीन हुई। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, ये भी आईन कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने करवाई। अहद साहब का अमल, वो भी आप नहीं कर सके, जो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पांचवीं जिद, जो भी सियासी गंध हो, जो भी सियासी बातें हो, आपको पार्लियामेंट के अंदर तय करनी चाहिए, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है ना। कैसी जमहूरियत, इस जमहूरियत से लोगों को क्या मिला? रुसवाई, भूख, प्यास, खुदकुशियां, क्या मिला इस जमहूरियत से? इम्तियाज, ये एक रेटोरिक स्टेटमेंट है, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं, तीनों चारों पांचों चीजें, आप इसको डिफेंड करें, आपको बता करें, हाँ करें। ये एक रेटोरिक है कि मतलब आपने कुछ नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया, आप, ये एक रेटोरिक है। इस रेटोरिक का जवाब आपको मैं दे रही हूँ, उस रेटोरिक का जवाब ये है कि इस वक्त आप हकीकत के ऊपर अगर जाके देखें, आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट में देखें, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं देखें, गो एंड विजिट ऑल द प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सिंध, जहाँ पे डॉक्टर्स जो सुबह हाजिरी देते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसके बगैर ना वो एंटर हो सकते हैं, ना उसके बगैर वो ऑफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये एक पाबंद डॉक्टर्स को किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में कि कोई भी वहाँ पे नागा ना करे, एबसेंट ना हो, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इवन आप थर पार्क, और एक बार बार एक बात कही जाती है, ये तो आपके प्रोग्राम से अच्छा है कि मुझे मौका मिल रहा है बात क्लियर करने का, बार बार एक जिसके पास कुछ नहीं होता, जो शख्स कभी सिंध आया भी ना हो, जो शख्स कभी सिंध के डायनामिक्स ही ना जानता हो, किसका नाम ले रही हैं आप? वो आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल, दैट्स नॉट जस्ट वन पर्सन।
बेशुमार लोगों को मैं देखती हूँ कि जब उनको पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने का मौका मिले, पहले आते हैं जी थर में यहाँ पे बच्चे मरे, थर में ये हो रहा है, थर में बच्चे मरे, दो हजार, एक मिनट मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, जो एक एक बच्चा भी नहीं मरना चाहिए, हर बच्चे की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, लेकिन मेरी बात सुने, जो मोर्टेलिटी रेट है ना पाकिस्तान का, एक मोर्टेलिटी रेट है, उस मोर्टेलिटी रेट के ऊपर आप जाएं तो इस वक्त पेशावर के अंदर 6 महीने में 6,000 बच्चों की अमवात हुई है, न्यू बॉर्न बेबीज की, उसके ऊपर कितना आपने हाईलाइट किया, उस इश्यू को करें, उस इश्यू को भी करें। दूसरी बात यह है कि थर के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है उसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं आपको बताती हूँ, वहां पे नहीं गजाई किल्लत। अब ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये एक आम सवाल है जो नॉर्मली हो रहा है। हाँ। अब थर में जो बच्चों की अमवात होती है, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, मैं कहती हूँ कि एक भी बच्चा जो है उसकी जान नहीं जानी चाहिए, कि बिल्कुल ये जिम्मेदारी हमारी, लेकिन हुकूमत जिम्मेदार नहीं, एक भी बच्चा हमारे, एक भी इंसान की जान, मैं कह रही हूँ बिल्कुल एक भी बच्चे की जान नहीं जानी, सीएम के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात के ऊपर इम्तियाज, मेरी बात सुने, आप अपनी ख्वाहिशात बता, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, एक भी बच्चा हमारे वक्त का हाकिम, वक्त का हाकिम, जिसने बोल दिया, लेकिन मेरी बात सुने, उसकी बुनियादी वजूहत क्या है, उसकी बुनियादी वजूहत क्या है, जब आप जाते हैं थर पारकर में, एक डेजर्ट एरिया है, एक डेजर्ट एरिया है जहां पे सोर्स ऑफ इनकम लोगों की माल मवेशी है, ठीक है, कैटल फार्मिंग के थ्रू करते हैं, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं था। आज वही थर है जहां पे आप देखें कि इस लास्ट सीजन में लोगों ने जाके वेकेशन स्पेंड की हैं, वहां पे थर के अंदर हरियाली को भी दिखाएं, थर में थर कोल प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो गया, उसको भी दिखाएं। और जो मोर्टेलिटी रेट है वो मत भूलें, कि बार बार जो गलत रिपोर्टिंग की जाती है कि बच्चों को गजाई किल्लत, वो गजाई किल्लत नहीं, न्यू बॉर्न बेबीज में निमोनिया एक्सट्रीम वेदर की वजह से होता है, और दूसरी बात यह है कि वहां पे रिप्रोडक्शन जो रेट है आप देखें तो वो एक एक फैमिली के अंदर बच्चों की बर्थ रेट बहुत ज्यादा, एक बहुत ज्यादा लेवल पे, मिठी के अलावा कौन सा आपके पास हॉस्पिटल है, एक मुझे हॉस्पिटल बताएं, एक सेकंड, एक मिठी का हॉस्पिटल है कोई हॉस्पिटल मुझे बताएं। देखिए अगर एक घर में एक खातून 10 से 12 बेबीज को बर्थ देगी तो मदर ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली वीक हो जाएगी और जो बेबी होता है वो भी वीक होता है। ये मैं आपको फैक्ट पैक, ये मदर 2008 में इस बच्चे नहीं मरते थे उस मदर के, 2009 में नहीं मरते थे, 2010 में नहीं मरते थे, 2011 में नहीं मरते थे, आपकी हुकूमत आ गई बच्चे मरना शुरू हो गया, नहीं ये साजिश हुई आपके खिलाफ, ये मेरी बात नहीं, ये साजिश हुई, ये मैं बता रही हूँ ना, ये मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके, मैंने आपको बताया कि मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर आप करें, आप केपीके से कंपेयर करें उसी रेट को, आप पंजाब से कंपेयर करें उसी रेट को, आप कराची से कंपेयर करें, कराची में कितनी अमवात हो रही है, न्यू बॉर्न बेबीज कितने, किस किस वजूहत की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनकी वजह क्या है, तो आपके पास पूरे स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे, और फिर अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ये थर वाली जो रेटरिक है ये खत्म होगी, क्योंकि नेचुरल जो वजूहत होती हैं उसकी बिना के ऊपर जो डेथ होती है उसके ऊपर हुकूमत जितनी कोशिश कर सकती है, बेस्ट हॉस्पिटल्स वहां पे दिए गए, मिट्टी के हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर को 1,90,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है तो कराची जैसे शहर में 50,000-60,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, उसको 40,000-50,000 ऊपर दिए जा रहे हैं डॉक्टर। सिविल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल कितना हॉस्पिटल है, कितना सिविल और जिन्हा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ, आपके चेयरमैन साहब, मैं कहता हूँ आपके चेयरमैन साहब को भी पता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता है, पूरी सिंध कराची के बड़े हॉस्पिटल्स एक भी सर्जन वेस्क्यूलर सर्जन नहीं है, एक भी 10 साल में वो एक सर्जन नहीं ला रहे, वो गरीब लोग अपना घर बार बेचते, कभी आगा खान से इलाज करवाते हैं, कभी नेशनल से करवाते हैं, कभी एक सर्जन आप 10 साल में नहीं ला सके, आपकी पूरी कयादत को पता है। नहीं देखे आप कराची के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये पीपल्स पार्टी के मुखालिफीन कहते हैं, मैं खुद के पूरे पाकिस्तान, मैंने आपको एक छोटा सा मिसाल दिया है, नहीं एक छोटा आपने सा मिसाल, ये मिसाल जो मुझे दी है, आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, मैंने ट्वीट किया है आपके चेयरमैन को, मैं आपके शो पे बैठकर गलत बयानी नहीं करूंगी, आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन, और अगर ये इशू है मैं खुद इस इशू को हाईलाइट, मैं आपको खुद इसके बारे में डिटेल भी दूंगा, ठीक है, वादा मैं आपको डिटेल दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास SIUT है कराची में, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट, आप बेनजीर भुट्टो, आप ट्रॉमा सेंटर जाके विजिट करें, 500 बेड का बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, 500 बेडेड
एक्सटेंडेड है और इमरजेंसी किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए अवेलेबल है और हर वहाँ पे डॉक्टर्स जो है हमने इंटरनेशनल बैरून मुल्क से डॉक्टर्स पाकिस्तान आए हैं और वो डॉक्टर्स जो बैरून मुल्क बहुत बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे थे वो हैवी सैलरी हैवी पेड डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तान आए हैं और ट्रामा सेंटर के अंदर वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एक एक डॉक्टर बायोमेट्रिक के थ्रू ब्रेक का टाइम होगा। मुझे आप एक हॉस्पिटल बताएं जो सिंगल हैंडेड सिंध गवर्नमेंट चला रही है। SIUT अदीब रिजवी को क्रेडिट जाता है, इंडस जाएं वहां बिलाल साहब को क्रेडिट जाता है, पब्लिक प्राइवेट एक मुझे नहीं मुझे गवर्नमेंट का नो एक मुझे गवर्नमेंट का बताएं। सिंध गवर्नमेंट खुद ऑपरेट कर रही है, खुद चला रही है, एक 10 साल में मुझे आप उनका हॉस्पिटल ब्रेक टाइम ब्रेकअप होता है। वेलकम। हाँ, आप इसका जवाब दें। देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारा काम है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कराची के अंदर, डिस्पेंसरीज हैं, मेटर्निटी होम्स हैं, ये तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप जाके देखें तो पहले उनका सबसे पहला जो प्राइम कंसर्न है हमारा वो इस वक्त हाइजीन है। हमने मेक श्योर किया, अभी हालिया हेल्थ कमेटी बनाई गई थी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने हेल्थ कमेटी बनाई है, उसमें हमने जो अपनी बुनियादी पॉइंट रखा है वो ये है कि पहले तो हॉस्पिटल्स हमारे हाइजीनिक हॉस्पिटल्स चाहिए, साफ़ सुथरे, उनके विजिट हमने किए और हमने स्टरलाइजेशन यूनिट्स जो है वो हॉस्पिटल में मेक श्योर किया है कि हर अस्पताल के अंदर स्टरलाइजेशन यूनिट मौजूद हो ताकि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे बहुत सारी जो डिजीज़ फैलती हैं एक दूसरे को वो ख़त्म होने के लिए हमें प्राइम जो इशू है उसको हल करना है। फिर उसके बाद ये कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि डॉक्टर्स को बिल्कुल पाबंद किया जा रहा है कि वो आके सर्विस करें और पहले डॉक्टर्स जो है वो देही इलाकों में स्पेशली थर वगैरह में जाते नहीं थे, अब उनकी जो पे स्केल है वो इतनी बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है, अर्बन इलाकों से डबल उनको दी जा रही है सैलरी, इस वजह से वो पे स्केल की वजह से वहाँ पर जाके रुक भी रहे हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट की हमेशा वैक्यूम और वक्त के साथ साथ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है और रिफॉर्म्स एजुकेशनल हो या हेल्थ हो वो वक्त के साथ साथ आते हैं और मैं बहुत पुर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ताला जो अब जो एक नई जनरेशन जो पीपल्स पार्टी में इंडक्ट हो रही है वो बड़े ब्रिलियंट आइडियाज के साथ इंडक्ट हो रही है। तो जमहूरियत नवाज शरीफ की जमहूरियत को नहीं बचाएंगे। क्या दो दफा जब आपने इस जमहूरियत को बचाया वो नवाज शरीफ की जमहूरियत नहीं थी जो आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की आपने तो हमेशा कहा कि हम जमहूरियत के साथ होंगे। टाइम पे इलेक्शन हो। व्हेन वी से दैट वी मीन बाय सेइंग दिस कि नवाज शरीफ की जो जमहूरियत है इट्स सोली द गवर्नमेंट राइट नाउ, ये पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली को बचाने के लिए लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मियां साहब के पनामा इशू इनका प्राइम कंसर्न है। पहले जब इनिशियली शुरू में जब धरना चल रहा था तो धरने के दिनों में PTI के धरने के दिनों में PMLN जो है वो सारी की सारी लगी हुई थी सिर्फ और सिर्फ मियां साहब की वो जाली मैंडेट वॉट एवर इट वॉज। हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था इलेक्शन में धांधली हुई है लेकिन पीपल्स पार्टी बिलीव इन दिस थिंग कि हमने पार्लियामेंट को इस्तेकाम देना है, मजबूत करना है और प्रोसीजर को चलने देना है। इंटरप्शन अगर आज हम 2 साल 1 साल के अंदर ही छोड़ डालना शुरू करते और उनको मौका ही नहीं देते अपने आप को प्रूफ करने का अपनी गवर्नेंस का तो अगली दफा फिर कल कोई और आएगा उसको भी 1 साल के बाद सड़कों पे आके लोग मौका नहीं देंगे। लेकिन वक्त से पहले इलेक्शन क्यों डिमांड कर रहे हैं आप? हम कोशिश करेंगे। क्या सेनेट इलेक्शन नहीं चाहते आप? नवाज शरीफ मेजॉरिटी में नहीं आए? No, क्या ये like सोच है? सोच क्या है? हमने तो मियां साहब को या इस टेन्योर को पूरा होने का मुकम्मल मौका दिया और हमने उनको अलाउ किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। कल को वो ये ना कहे कि साजिश की गई और हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन जब उनको मौका मिला उसी मौके के अंदर पनामा इशू जो है वो किसी सियासी जमात की इजाद नहीं है, वो एक इंटरनेशनली जो न्यूज एजेंसी है उसने लीक किया कि जो पनामा में ऑफशोर कंपनी है मियां साहब की फैमिली की। फिर जब ये असासे खुलने लगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर इनको नाअहल होना पड़ा तो ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं था, ये एक इंटरनेशनल केस था और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला ये था कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जाने वाले लोग जब ट्रांजैक्शनल अपनी डिटेल्स नहीं दे पा रहे तो वो इख्तियार नहीं रखते कि मुल्क के अंदर 2013 में उन्होंने आपको शिकस्त दी,
आपको शिकस्त दी नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, आप भी 2018 में उनको शिकस्त दे। इस वक्त पूरी सियासी मैदान में देखिए इस वक्त हुकूमत कैसे चल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार अपने आप को बीमार करके कई अरसे से बैरून मुल्क है। उससे पहले तो बहुत हेल्दी थे, हेल एंड हार्टी थे, उनका हर वक्त पाकिस्तान के दौरे होते थे। बजट तो वो ऐसे अनाउंस करते थे जैसे पाकिस्तान का सारा हाल अच्छा कर दिया। 500 अरब का सर्कुलर डेट उन्होंने खत्म करने का वादा कर लिया, उससे इस दफा उससे भी तजावज करके ऊपर हम जा चुके हैं। तो ये जो एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान को मईशत को लेके जा रहे हैं और विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी प्लान, प्लस आपकी फॉरेन पॉलिसी आप देखें, आज अमेरिका क्या कह रहा है, आज अमेरिका क्या मैसेज हमें आपको दे रहा क्या है? दे रहा था तो आपको क्या मैसेज दे रहा था? आपका वजीर आजम भी गया था, रेंटल भी आया था, रेंटल राजा भी आया था, वहां क्या लोग कहते थे कि आपकी हुकूमत जानी चाहिए क्या? वहां पे सिस्टम, वहां पे हमने सिस्टम को जाने दिया ना, 10 मिनट की सजा के ऊपर वजीर आजम ये भी चले गए, ये भी चले गए, सिस्टम तो चल रहा है। आप किसको खुश कर रहे हैं? आप किसी को खुश करना चाहते हैं? हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही थी, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपके पास अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान ने इन्वॉल्व होकर कितना हमें काउंटर टेररिज्म में कितना इकोनॉमिकली लॉस हुआ, जानों का नुकसान हुआ, और उसके बाद रिहाब करने में, और जो अफगान रेफ्यूजीज आए उसके अंदर, ये सारी चीजों को पाकिस्तान ने जिस तरह हैंडल किया है, और स्पेशली हमारी आर्मी का बहुत पॉजिटिव इसमें किरदार रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस अपने क्यों इतने अच्छे नहीं करती कि इंटरनेशनल मैसेज ये देना चाहिए गवर्नमेंट को कि अफगानिस्तान को भी इस वॉर के अंदर अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार देना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि इंडिया जाके इंटरनेशनली पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी आवाज उस तरीके से इंटरनेशनली रेज करने में क्यों नाकाम, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से रहा, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ नवाज शरीफ गवर्नमेंट है। तो आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस कौन डील करता है, फॉरेन अफेयर्स कौन डील करता है? मैंने आपको इकोनॉमी का बताया, आप उनका नाम लेंगी? देखें मैं आपको बताऊं, इंडिया को कौन डील करता है, अफगानिस्तान को कौन डील करता है, अमेरिकन को कौन डील करता है? आप मुझे बताइए, इस वक्त सीपैक जो है, सीपैक आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी उनका इनिशिएटेड प्रोग्राम था, ठीक है, उस प्रोग्राम को लेके नवाज शरीफ आगे बढ़े। ये जमहूरियत होती है कि आप एक प्रोग्राम मुल्क के लिए लेकर आते हैं, उसको आने वाली गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। लेकिन मियां साहब जो है वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने के आदी, हमने उस पर भी कुछ नहीं कहा। हमने 18वीं तरमीम दी, 18वीं तरमीम को PMLN ने कभी उसको सपोर्ट उस तरह नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए। और फिर बिल्कुल फिर उसके बाद आप देखें कि एक नाअहल शख्स है, उसको मुल्क का वजीर आजम बनाने के खिलाफ तहरीक कौन लेकर आया असेंबली में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई। पीपल्स तो नहीं पार्टी नाकामी हुई ना, लेकिन आपका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो जाता है। आप चार साल के बाद नून लीग करप्ट भी हुई, मुल्क के खिलाफ भी है, 4 साल के बाद आपको अपोजिशन याद आई? 4 साल आप क्यों खामोश थे? अपोजिशन तो हमने हर वक्त की, 4 साल कहां की थी? हमने हर इशू पे किया, हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आवाज उठाई, हमने हर मेजर पाकिस्तान आवाज उठाना, स्ट्रगल करना, रोडों पे आना, इस तरह की अपोजिशन करना, ये 4 साल के बाद क्या होता है? इम्तियाज अपोजिशन का किरदार क्या होता है? असेंबली के अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, रोडों पर नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करना, आप पार्लियामेंट को मजबूत करें। अगर हमने सारी चीजें रोडों के ऊपर ही कर लेनी है तो फिर असेंबली को ताला लगा दें, पार्लियामेंट को ताला लगा दें। आज असेंबली में कौन से मसले इशू हल हुए? एक भी बड़ा इशू आप मुझे बताएं जो असेंबली के फ्रंट पे हल हुआ है, आप ही नाम बताएं, नहीं तो मैं आपको गिनवाता हूं जितने सुप्रीम कोर्ट ने हल किए। देखिए सुप्रीम, हर इदारे का अपना रोल है, और सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है देखिए अच्छा है। लोगों को एक जो नेगेटिव एक तासुर हो रहा था, हमेशा ये फील होता था कि पीपल्स पार्टी के साथ तो फैसले किए गए और ऐसे फैसले हुए कि उसको आज भी जो है कहा जाता है कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन अब जब पंजाब के अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल प्रोविंसेस होनी चाहिए, ये लोगों का तासुर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म किया, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आप भी सियासत जो है ना, आप भी अभी अभी चार साल के बाद हर फैसले को हमेशा एक्सेप्ट किया, माना और रिस्पेक्टफुली ओबे किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को। हम चाहते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से। आज एक बात की जाती है कि आज आपको तारीख माफ आपको भी नहीं करेगी, इस वजह से कि आपने डिलिमिटेशन को, आपने डीलिमिटेशन के ऊपर वोट नून लीग के बिल को दिया नेशनल असेंबली में, अभी आप सेनेट पे नहीं दे रहे। अगर ये इलेक्शन नहीं हुए, कोई दूसरा सेटअप आया, इलेक्शन में डिले हुआ, कोई क्राइसिस पैदा हुआ, पीपल्स पार्टी अभी तो आपका है। अब मेरी बात सेनेट में आप पेश करने, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है। मेरी बात नून लीग की तो मेजोरिटी नहीं है। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन को 4 माह 5 माह पहले से
ये जब से सेंसस मुकम्मल हुआ, एक तो सेंसस के अंदर इशू बहुत बड़ा था, जब सेंसस में हमने कहा कि 5% ब्लॉक्स जो है उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए ताकि ये पता चल जाए, क्योंकि कराची में मुझ समेत कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने जिनके घरों में सेंसस हुआ ही नहीं, आई नहीं, मरदमशुमारी हुई नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनके घरों में पता ही नहीं चला कि कब सेंसस हुआ और वो गिनती में आए भी नहीं आए। और कराची की आबादी जितनी हमें सड़कों पर दिखाई देती है 1.5 करोड़ से वो ऊपर, कमिटमेंट करके आए हैं सीएम, नहीं एक एक 1% ब्लॉक को रीवेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। वो उससे ये होगा कि पता चलेगा कि कितनी जो है वो तादाद में लोगों को गिनती में नहीं लाएगा। यानी कि आप इलेक्शन नहीं चाह रहे टाइम पे, आप वक्त से चाह पहले चाह रहे, आप भाग रहे हैं इलेक्शन सेंसस के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब आपके पास लोगों की प्रॉपर मर्दमशुमारी गिनती में नहीं हुई तो फिर आपके पास वसाइल उस तरह से नहीं पहुंचेंगे लोगों को। जब आप गिनती में ही नहीं है तो आप काउंट ही नहीं हो रहे, जब आप काउंट नहीं हो रहे तो वसाइल में आप नहीं आ रहे। कमिटमेंट करके हैं, फिर सीसीआई में कमिटमेंट करके दूसरी बात सुने, फिर उसके बाद आपकी डिलिमिटेशन जो है वो आबादी के तनासब से होने होती चाहिए। है और वो होना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है, इलेक्शन 5 साल के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और उस दौरान अगर इन्होंने डिलिमिटेशन को एक डिलिमिटेशन और इस सेंसस को बुनियाद बना के इलेक्शंस को डिले करने की अगर टैक्टिक्स हर बेस ये तो आप कर रही हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, अगर नहीं नहीं हम पे जिम्मेदारी नहीं है। आपने कमिटमेंट की हुई थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, यह हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पे सेंसस के बाद वो डीलिमिटेशन करते। और डीलिमिटेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसीजर ये होता है, जब तहफ़ुज़ात होते हैं तो सियासी जमातें कोर्ट में जाती हैं अपील की तरफ, और वो अपील 4 से 5 महीने लेते हैं, और जब कोर्ट में मामला चलता है तो उसके बाद आप उस दौरान इलेक्शन कैसे कराएंगे। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। जीडीए इमरान खान जो है ना, सिंध के अंदर आपसे मैंडेट जो है ना इलेक्शन के थ्रू छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट सी पीटीआई एनीवेयर इन सिंध, आई डोंट सी पीटीआई एनीवेयर इन सिंध, बिकॉज पीटीआई हैज नेवर प्रूव्ड दैट सिंध इज द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर देम। नहीं, इमरान खान कह रहा है कि मैं अभी जरदारी साहब को जो है ना करप्शन पे बाहर करूंगा। देखिए, बात यह है कि अगर जरदारी साहब के करप्शन की बातें कर रहे हैं तो ये इनको 5 साल के बाद क्यों याद आया? पहले 5 साल पहले क्यों नहीं याद आया? धरने के दिनों में तो हमेशा जो है खान साहब तारीफ किया करते थे कि जरदारी साहब का दौर नवाज शरीफ के दौर से बहुत अच्छा है, तो आज उनको अचानक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या तो ये तो सियासत हो रही है ना फिर, लेकिन उस सियासत तो के करने करते का भी इख्तियार है, सबको है, मैं समझती हूँ हर पोलिटिकल पार्टी को इख्तियार है, लेकिन अवाम वोट जो है ना उसको देती है जो अवाम के दिलों में बसता है, जो अवाम की रीच में होता है। पीटीआई रीचेबल नहीं है सिंध के लोगों के लिए। ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। कौन जा रहे हैं? जिनकी एक यूसी भी नहीं है वो जा रहे हैं, जिनके पास एक यूसी भी नहीं है जीती हुई, जो एक नाजिम का इलेक्शन नहीं जीत सकते वो जा रहे हैं, तो जाने दें, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या चेंज लेकर आएंगे? जो चेंज की बात पीटीआई ने नारा लगाया था वो तो और था ना, उस नारे की बुनियाद के ऊपर कितने नौजवान आए पीटीआई में शामिल हुए, कितने लोग आए, और जो आए हैं वो भी पीपल्स पार्टी पीटीआई में जो लोग आए हैं दूसरी पार्टी से वो भी तंग। आखिरी सवाल, आखिरी, मैं एंड की तरफ जा रहा हूं, जा रहे हैं, और उनका रोना ये, मैं आपको बता रही हूँ, सिंध के अंदर जितने लोग पीटीआई के अंदर आए हैं वो मुझे जहां मिलते हैं वो यही कहते हैं हमसे गलती हो गई, हम इस पार्टी में आए क्यों, कि इस पार्टी के अंदर सिंध की तर्जुमानी करने नहीं देते। 4 लोग हैं कराची के, वो कभी सिंध के रिप्रेजेंटेटिव रूरल लोगों को आगे नहीं आने देते, आगे तो खड़ा होने नहीं देते, इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होने देते उनको। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, जरदारी साहब ने भंगड़ा डाला, कभी यूं भंगड़ा डाला, कभी यूं भंगड़ा डाला, और दूसरी बात, ये भंगड़ा क्या ये डाला कि ये आखिरी प्रोग्राम था उनका, मुफामत करके खुद माइनस होके बच्चों को पार्टी बिलावल आसफा को देके जा रहे हैं। जरदारी साहब ने जितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो जेलें काटी हैं, और जो वो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, यहाँ पे जितनी पॉलिटिकली मोटिवेटिंग और मनूवरिंग की जाती है सियासी जमातों की तरफ से, दूसरों की लेग पुलिंग की जाती है, वक्त पूरा नहीं होने दिया जाता, उन साजिशों को वो अच्छी तरह समझते हैं, और पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी साहब की इंतहाई ज़रूरत है, और वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, वो पार्टी के को चेयरमैन हैं, और वो हिदायत देते हैं, वो पार्टी को सही ट्रैक पे चलाने के लिए बड़ी मेहरबानी अपना हमेशा दे रहे होते हैं, और बड़ा कलीदी उनका किरदार है, और बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी की कमान उनके हाथ में है, स्टीयरिंग व्हील पे वो बैठे हुए हैं, और पार्टी के तमाम सपोर्टर्स और वोटर्स हम उनकी तरफ देखते हैं। बड़ी मेहरबानी ना साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया इन्हें।